तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से एनएचएम एम्प्लॉइज जो टर्मिनेट कल कर दिया गया था, अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्हें यहाँ से हटाती हुई और जबरन उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और वो बीचों बीच बैठे हुए थे। पहले किसी तरीके से भी किसी प्रकार का भी कोई यहाँ पर उग्र प्रदर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो अब गिरफ्तार करके यहाँ से उन्हें हटाती हुई, ये देखिए क्या 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 कह रहे थे। ये सारे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे ऐसे पीछे पड़ गया, हमें उठा के ले रहे हैं, गाड़ी में डाल रहे हैं। इन्होंने रोड क्लियर करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई है, इन्होंने हमें इधर बुला के अब रोड क्लियर करवा दिया। देखो ये देखिए, किसी को भी हमने कोई वायलेंस क्रिएट नहीं किया, हम एक साइलेंटली अपनी बात रख रहे हैं। सर ये ऐसे उठा के ले रहे हैं सबको अंदर, ये गलत बात है सर, ये खिलाफ सर। ये तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आप, ये देखिए यहाँ पर बवाल बढ़ता हुआ। रात से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूँ तो एनएचएम के एम्प्लॉइज जो थे वो सड़कों पर उतरे, उसके बाद से अब ये हंगामा जो है वो बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आप देख सकते हैं तस्वीरें इस समय प्रदर्शन करते हुए ये सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ आवाज जो उठा रहे हैं कि हमें जो है वो जबरन हटाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। मैं सुबह से ही आपको अपडेट जो है वो यहाँ से दे रहा था किस तरीके से अब जम्मू वो लिखती है जो आपने, उनको छोड़ देते हैं कोई वो नहीं। किस बात के लिए सर? कितने लोगों को लेके जा रहे? चार लोगों को लेके जा रहे थे, जबरदस्ती छुड़ाया लड़कियों ने वहाँ पे। किस बात के लिए लेके जा रहे सर? आप भी देख रहे हो, सब देख रहे हो, सब नीचे बैठे हुए हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट है, हॉस्पिटल का रास्ता भी हमने छोड़ा हुआ है, इस साइड से भी रास्ता छोड़ा है, इस साइड से भी मेन चौक से भी रास्ता छोड़ा हुआ है, पीसफुली प्रोटेस्ट है। लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए हमें मतलब डिवाइड कर रहे हैं, वो उसको लेके पकड़ के सर, ये कोई तरीका नहीं है। रोड ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? चार बंदों को हमारे यहाँ से स्टाफ के उठा के ले गए, जो जो बंदे आ गए थे ना फ्रंट पे उनको उठा के पुलिस स्टेशन ले गए। किस बात की? हाँ अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आया कि इनका प्रोटेस्ट खत्म करवाओ, खुद आना नहीं चाहते वो लोग। आज सरकार के पास पैसा नहीं हमें देने के लिए, छह महीने से कहा थे, वो छह महीने से भी तो पैसा नहीं मिला। एक्सटेंशन ही चाहते हम लोग, एक्सटेंशन तो एक डेढ़ साल बाद चल रही देना यार, एक्सटेंशन चाहते हम लोग यार। कोविड में हमारे बंदे तक यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं, क्या फायदा है सिक्योरिटी करने का? कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए था ना मैम, तो इसमें दो बैचेस थे, एक का एक साल था, एक का छह महीने था। इन्होंने चार महीने में निकाल दिया छह मंथ वालों को, बाकी जिनका एक साल था उनको टेंथ मंथ में ही निकाल दिया विदाउट सैलरी, कुछ भी एक पैसा नहीं दिया है। और इन्होंने कहा था कि इनको इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव छोड़ो हमारी बेसिक नहीं मिली है 14,000 सैलरी। हम प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट के पास आए थे, गवर्नमेंट को हमारी जरूरत थी उस टाइम, हम 20,000 सैलरी छोड़ के 10,000 रुपए आए थे यहाँ पे, लेकिन आज क्या फायदा उस चीज का? अभी जो नोटिफिकेशन उस वक्त निकली थी उसमें लिखा था कि आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद टर्मिनेट किया जाएगा? नहीं, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि 30 के बाद कोई भी नहीं आएगा, सीधा टर्मिनेट। और उसी बैच में कुछ बच्चे 18 बच्चे इन्होंने रखे भी हुए, वो क्यों रखे? फिर आपका पति क्या है?
मैम उन्होंने लिखा ही नहीं है कुछ भी। मैम आपत्ति ये है कि अगर इन्होंने हमें निकालना ही था तो 3 महीने के बाद ही निकाल देते, हमसे 10-10 महीने कम क्यों करवाया। कोविड में अगर हमारे और बच्चे मरते, हम पॉजिटिव हुए हैं, इनके पास स्टाफ नहीं है, एनएसटीजिया टेक्नीशियन खत्म है, यहाँ पे कोई टेक्नीशियन नहीं है, एनओसी काम करवा रहे हैं अंदर। अगर कोई मर जाएगा, हमारा टेक्नीशियन अगर कोई मर जाता, हमारी ड्यूटी कल खत्म हुई है यहाँ पे। अगर इन्होंने निकालना था हमारी ड्यूटी क्यों करवाई, यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था, इन्होंने यहाँ पे निकालना था कैसे निकाल देते। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की, अगर बात करें तो जो सुबह से ही तैनात थी और उसके बाद यहाँ से उन्हें हटा दिया गया, और एलिगेशंस जो हैं इन एम्प्लॉयज के द्वारा ये लगाए जा रहे हैं कि अंदर से 21 PM जवानों ने यहां से जो मेयर कैंडिडेट से उन्हें हटाया, उसके बाद से कैसे देखें सुबह से ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो, कहा सुना जा रहा है कि अंदर से फोन कॉल आता है, उसके बाद जब तक आपको उठाया जाता है बिल्कुल, हमें यहाँ से उठा के हमें गाड़ी में भी डाल दिया था, हम सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता कि हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, हम अब यही चाहते हैं कि अब हम कुछ ना कुछ हल्ला करें तो ही इनको समझ आएगा। हम अभी आज शांतिपूर्ण कर रहे थे, हमारे कुछ बंदे अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारे भाई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको जबरदस्ती पुलिस वैन में डाल दिया गया। किसके कहने पे? पुलिस का गुंडा साला, ये कौन है? ये पुलिस है कि गुंडा कर दिया? किसी के कहने पे इसने क्या किया, इसने क्या किया, वो चार बंदों ने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जुल्म किया है, जो हमने काम किया कोविड में, हमने कोविड में काम किया, इनके ऊपर जुल्म किया, अभी हमें उठा के ये जिप्सी में डाल रहे हैं, आपने हमारे ऊपर जुल्म किया। शेम ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, शेम थू आपे, लांट आपे ऊपर, और बीजेपी का, और बीजेपी का जो है प्रदेश अध्यक्ष, लांट लेके जा रही थी हमारी ये बहन है जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें तो गाड़ी में बिठा दिया था। मैं बोलता हूँ शेम ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर, तू है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पे, कहाँ पर है वो? सब कुछ उनके कहने पे ही सब हो रहा है, लांट है इस टाइम पे, बच्चे बच्चे मर गए, हमारा साथी मर गए, कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमें पुलिस का डर दिखा के हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दूं, हम डरने वाले नहीं हैं। पुलिस वाले ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहता हूँ, कल तुम्हारे पुलिस की सैलरी बंद होगी महीना एक, लास्ट में ये तुम्हें भी लात मार के बाहर करेंगे, ये मेरी बात याद रखना। काफी संगीन आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, और मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि सुबह से ही तस्वीर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो है ये लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और अपनी मांगों को जो थे वो रख रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रेशर जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो करवा देता है, और प्रेशर से ही कॉल जो है वो आता है, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनसे कहा जाता है। ये साफ तौर पर इन्हीं कैंडिडेट्स का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिलहाल बीचों बीच सड़क के इस वक्त ये लोग बैठे हुए हैं, और अब ये बवाल जो है वो थमने का नाम आखिर कब लेगा, ये सवाल जो है इस सवाल का जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के पास ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान अगर इनसे आके बात करे, इनको आश्वासन दे, शायद इनको विश्वास हो, उसके बाद ये यहाँ से हट जाएं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूँगा कि अब यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके लोग भी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सुबह से ही जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है जिससे एक कॉल आती है उसके बाद एक्शन में एकदम से बवाल हो जाता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन से अंदर से कॉल आता है कि कुछ भी करो, प्रोटेस्ट खत्म करवा दो, ठीक है, हम भी यहाँ पे सुन रहे होते हैं, हमारे बीच में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो चार बंदे इन्होंने पकड़े जो हमने आगे रखे हुए थे कि आप चार बंदे आगे बात करोगे क्योंकि हमें ड्रामा नहीं चाहिए ज्यादा, चार बंदे जो रखे थे इन्होंने उन्हें चारों को पॉइंट आउट किया और उनको बिना कुछ बात यहाँ से उठा के सीधा ले गए। ये तो यहाँ पे ये फीमेल्स बैठी हुई है, इनको छोड़ दिया, वो तो उनको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, क्यों यार, जब प्रोटेस्ट अच्छे से कर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे, टायर नहीं जला रहे, कुछ नहीं कर रहे, अगर पार्टी का प्रोटेस्ट होता ना तो वो ज्यादा अलग बात होती, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इम्प्लॉय कोविड वॉरियर है हमारे, ये कोविड वॉरियर आज रोड पे आए हुए हैं, क्या फायदा इस चीज का, एक्सटेंशन मांग रहे हैं एक चीज उनसे,
एनएचएम का फंड अगर अभी तक निकला है तो कहाँ गया है? हमें तो एक साल से सैलरी नहीं मिली, हमें छह महीने से सैलरी नहीं मिली, किसी को एक साल से सैलरी नहीं मिली, किसी को छह महीने से सैलरी नहीं मिली, और ये आज कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो पैसे हमें चाहिए भी नहीं, अभी एक साल बाद दे देना, बट हमारा एक्सटेंशन तो कर दो। इतने लोगों को खज्जल कर रहे हैं ये लोग, सही बात कह रहे हैं कि यार सैलरी नहीं दे सकते, कम से कम एक्सटेंशन तो कर लो, हम काम करने को रेडी हैं। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके कानों के नीचे से जूई तक नहीं रेंग रही है, और अभी तक गहरी मुद्रा में एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, उनके अधिकारी सोए हुए हैं, और वो दिग्गज पार्टी के नेता जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर का झूठ हमारा झूठ है, हम इनके लिए खड़े रहेंगे, ना इंसाफी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो तीन दिन पहले वो जम्मू का उनका दौरा, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां का यूथ जो है वो अपना रोजगार खोले, व्यवसाय खोले, उसके लिए हम फंडिंग देंगे। अगर वो यूथ को रोजगार के लिए फंड दे सकते हैं, जो लोग जो यूथ ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो उनके लिए फंड सरकार के पास आखिर क्यों नहीं? इतना पैसा टैक्स पेयर का, जम्मू कश्मीर ड्यूटी का आखिरकार कहां? ये तमाम सवालात हैं जिसका उत्तर तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। एक और चीज, अगर ये बैठने के लिए कोविड स्टाफ को होटल मैरिडियन दे सकते हैं जहां पे एक नाइट का 10,000 है, तो ये लोग इन बच्चों की सैलरी नहीं दे सकते हैं? इन्होंने होटल कर रखे हैं डॉक्टरों के लिए, बाकी पैरामेडिकल जितना भी स्टाफ है कोविड में, उनको होटल दिए गए हैं, खाना दिया गया है, इन्होंने 10,000 के रूम किए हुए हैं। अगर एक दिन में एडमिनिस्ट्रेशन 10,000 का बिल वहां पे कर सकती, क्या इन बच्चों को 14,000 सैलरी नहीं दे सकती थी एक बंदे का? दो दिन अगर बंदे को नहीं बैठती अपने घर जाती, जो बच्चे घर गए हैं हमारे जैसे जिनका घर है यहाँ पे या रूम पे रहते हैं, तो उनके हक का पैसा कहाँ गया? वो होटल का पैसा कहाँ गया? सारा सखे सामने मीडिया के सामने आते, चार दिन हो गए प्रोटेस्ट को, उनको शर्म आ रही है? अगर इतनी ईमानदारी है तो बाहर आके बोल दो भाई, बात खत्म, पैसा कहाँ गया है? एलजी के आगे सामने आ गई वीडियो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मीडिया में आ रही है, एलजी तक बात नहीं जा रही है, जहाँ उनके ऑफिस तक आवाज, एलजी ऑफिस तक आवाज जा रही है, वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके प्रदर्शन को देख रहे हैं। क्या मैसेज एलजी अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर यही मैसेज है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, सरकार के पास नहीं है, सरकार ऊपर नीचे चलती रहती है हमेशा, हमें सैलरी नहीं भी दे, हमें एक्सटेंशन दे दे, एक साल का, दो साल का एक्सटेंशन, जितना वो दे सकते हैं पॉसिबल है उतना एक्सटेंशन दे दे, बस हमारी कोई डिमांड नहीं है, सैलरी हमें अगले साल दे दे, कोई इशू नहीं है, सबकी यही डिमांड है, बस एक्सटेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्सटेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं है वो बातचीत हो सकती है, लेकिन हमें एक्सटेंशन जो है वो दी जानी चाहिए, एक्सटेंशन के बिना हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। एनएचएम एम्प्लॉयज, और मैं आप लोगों से भी एक बात जरूर करना चाहूंगा, आज घर पर बैठकर आप लोग इस वीडियो के में कमेंट जरूर करेंगे, आप अपनी राय जरूर रखेंगे, लेकिन इतना जरूर रखिएगा कि आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके बच्चे भी होंगे उनके साथ, इस तरीके की ना इंसाफी और बर्बरता ना हो उसके लिए आवाज जरूर उठाएं, और जम्मू कश्मीर यूनाइट होकर हर एक उस शख्स के लिए आवाज उठाए जो आज दरबदर की ठोकरें खा रहा है। ये झूठ आप ही का है, आपके बच्चे भी कल इसी फेस में होंगे जब उनको भी रोजगार चाहिए होगा, तो आप लोगों से भी मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग भी जो है वो इन लोग बच्चों की आवाज़ सुने। हम बात करेंगे और भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लगातार ये एक जहाँ दो दिन की बात नहीं है, 10 दिन से आप ये आवाज़ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं डर था पहले से भी इस तरीके का ऑर्डर है निकलने वाला है या हमें इस तरीके का कुछ हो सकता, पहले कुछ संदेह था सर? अभी तक एनएचएम में 2005 से शायद 4 की 5 से एनएचएम आया हुआ है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, और उनकी एक्सटेंड किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उनको आगे बढ़ा देते हैं। जब ये नोटिफिकेशन आई कोविड की एनएचएम के थ्रू आई, सब ने यही सोचा कि शायद उसमें लिखा था 3 मंथ एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ, और आगे लिखा था कि जब तक फंड्स हैं या जब तक ईसीआरपी पैकेज है, वो ईसीआरपी पैकेज मोदी गवर्नमेंट ने मार्च 2024 तक दिया हुआ है। हर बंदे ने यही सोचा, तब बोलते थे फ्रंट लाइन वर्कर्स, वॉरियर्स या वर्कर्स बोलते थे इनको, हमें जब हमने कोविड में काम किया था तो हमने यही सोचा था कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, हम कोविड में काम करेंगे, तब हमारे लिए थालियां और तालियां बजाई जाती थी। सर आज ये थालियां और तालियां बजा रहे हैं उस गवर्नमेंट को वापस, आपने ये हमारा मजाक बनाने के लिए जो थालियां और तालियां बजाई थी इस चीज़ के लिए बजाई थी कि आज हम रोड पर बैठ जाएं, आप हमें बेरोजगार कर दो। सर पुलिस की बात करूं अगर, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर इस तरीके का, पहले आराम से बात की गई, जैसे मीडिया कर्मी थोड़े से आगे पीछे हुए, बिल्कुल अगर पॉलिटिक्स वालों के पीछे से ही कोई फोन आया होगा हायर अथॉरिटीज का, पुलिस वाले ऐसे कोई एक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे शांतिपूर्ण कोई प्रोटेस्ट करें। सर 1600 बंदा है आज, तो 100-150 है आज, इन्होंने ऐसी हरकत करके ये दिखा दिया कि आप 1600 बंदा अब इकट्ठा हो जाओ, हमें ये इकट्ठा होना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं पब्लिक को एक चीज़ बता दूं, जो कमेंट्स करते हैं यहाँ पे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट था, मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं निकाल रहे, अभी तो कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, अपना पुराना काम छोड़ के वो यहाँ पे लगे थे, अब 10 दिन में आप टर्मिनेट का ऑर्डर निकाल देते हो, ये बेरोजगारी आप कैसे
बेरोजगार कर दिया आपने सबको। सुबह से अभी अगर आप नहीं होते शायद ये अभी यहाँ नहीं होते, ये सलाखों के पीछे इनको बाहर ले जाया। शायद अगर आप यहाँ नहीं होते तो इनको यहाँ पर नहीं बैठे होते आपके साथी जो हैं, क्योंकि इनको उठाकर गाड़ी में डालकर लेके जाया जा रहा था। जी बिल्कुल सर, सुबह जब हमारे अंदर SHO से बात हुई थी उन्होंने कहा कि आप पीसफुली करो, आप रोड ब्लॉक नहीं करो, आप इमरजेंसी कोई भी बंद नहीं करो, आप पीसफुली बाहर बैठ के आपको अपना प्रोटेस्ट करना है आप करो। हमने उनसे भी परमिशन ली थी, SP मैम आए थे, उन्होंने भी हमें कहा कि आप पीसफुली करो यहाँ पे सीधा। इनसे भी हमने बहुत सी रिक्वेस्टें की कि हम पीसफुली कर रहे हैं, हम कोई पत्थर नहीं मारे, हम कोई वैसा रोड जाम नहीं कर रहे, कोई इमरजेंसी ब्लॉक नहीं कर रहे, और आके हमारे स्टाफ को गले से खींच के जैसे इन्हें कोई चोरी की है या इन्हें कोई गुनाह किया उठा के इनको गाड़ियों में भरने लगे। क्यों इनको भरने लगे? जिस टाइम कोविड चल रहा था उस टाइम हम लोगों ने PPT किट पहन के काम किया। एक दिन आके पुलिस वाले काम करे, एक दिन आके जनता काम करे, एक दिन आके जो प्रेसिडेंट यहाँ पे बनते फिर रहे वो लोग आके काम करे, कोई भी यहाँ पे आके काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने काम किया, अभी इनको धमका के लिया जा रहा था। सर क्यों लिया जा रहा था? हमने क्या गलत किया? हमने कौन सा गलत प्रोटेस्ट किया? अपना ही हक मांग रहे, कोई हम चोरी तो नहीं की है हमने, कि जो अगर ये बोले कि हमने चोरी की है या हम जबरदस्ती की। जो हमारी ऑर्डर कॉपी थी उस पे लिखा था 3 मंथ एंड एक्सटेंशन, 6 मंथ एंड फर्दर एक्सटेंशन। जब NRHM स्टार्ट हुआ था 2005 से स्टार्ट हुआ था NRHM, जब उनके लिए फंड सारी सब कुछ 2020 और 21 के लिए उनके लिए फंड क्यों बंद हो गई? क्या हमने कोविड में काम किया इसलिए बंद हो गई? हम में से कुछ ऐसी भी लेडीज है जो प्रेग्नेंट लेडीज कोविड में आके काम कर रही थी, और कुछ ऐसी लेडीज है जिनके बच्चे 1-1 मंथ के, 2-2 मंथ के, और वो खुद भी पॉजिटिव हुई है, अपने बच्चों से दूर रही है, सब कुछ। हम चाहते हैं कि पब्लिक भी आके हमें सपोर्ट करे, जैसे हमने पब्लिक को उस टाइम बचाया, सबको बचाया, और हम चाहते हैं पूरी पब्लिक आके हम लोगों को सपोर्ट करे, और हमारे जो यूथ है जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। बस सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, LG से हमारी यही रिक्वेस्ट है, और हमारी कितने नरेंद्र मोदी जी से उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, और हमारी गवर्नर से भी यही अपील है सबसे कि हमें कंटिन्यू किया जाए। हम नहीं बोल रहे कि हमें परमानेंट, जो परमानेंट है उनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है, तो उनके लिए अगर ये बोल रहे हैं कि उनके लिए सैलरी है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं? हमारी तो 14,000 कितने 50-500 है ना हमारी सैलरी, हमारी सैलरी कहाँ गई? और हमारा और हमारी फंड्स यहाँ पे सर 2024 तक आई हुई है, वो फंड्स कहाँ गई? इसका मतलब वो खाली एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें इस चीज का जवाब दो, हम चले जाएंगे। हमें इस चीज का जवाब दो, हम चले जाएंगे ये कहना, और लोगों से भी बात करूंगा, यहाँ पर और भी लोग हैं। आप अगर यहाँ पर नहीं होते, आपके साथी सलाखों के पीछे भी लेके जा रहे थे, पुलिस वाले उनको लेके जा रहे थे, सुबह से ही आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंदर से एक फोन कॉल आता है कि इनको हटाया जाए, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है ऊपर से, ये प्रेशर किसका था? प्रेशर अंदर वालों का ही होगा, और किसका होगा? कौन बोल सकता है? लाइव चल रहा है, सबको सारे अंदर देख रहे हैं क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, और क्यों हमारे बच्चों को क्यों उठा के ले रहे हैं? उस टाइम पे लेते ना, जिस टाइम पे हम लोग कोविड में काम करते उस टाइम पे भी बोलते आप घर बैठो, उस टाइम पे पेशेंट के अटेंडेंट तक हमको टच नहीं करते थे। हम लोगों को उनको ट्रीट किया ना, हमने उन लोगों को देखा है, मैंने खुद पेशेंट को एम्बू किया 1-2 घंटा, पूरी पूरी रात हमने एम्बू किया, और आज हमारे हम अगर अपना जस्टिस मांग रहे हैं, अब हमारा हम अपना हक मांग रहे हैं, तो हमारे बच्चों को आगे अंदर रखें क्यों? हम कोई टेररिस्ट हैं? बुरा लगता है जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की पढ़ाई करो, डिग्री करो, फिर जॉब पे रहो, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अपना सब कुछ दो, 24 घंटे नाइट्स दो, डे दो, उसके बावजूद आपको इस तरीके के बाहर निकाल दिया। हमें एक छुट्टी तक नहीं मिलती है, हमने 1 ईयर काम किया, एक छुट्टी तक नहीं, कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल आपको कोई छुट्टी नहीं, क्यों क्यों नहीं छुट्टी हमें? अगर हम पूरा 24 आवर्स काम करें, हमें एक छुट्टी नहीं है पूरे महीने में, क्यों है हमें छुट्टी? और बाद में हमें बोलते हैं आप टर्मिनेट हो, आप जाओ यहाँ से, यूज एंड थ्रो, बस ये है यहाँ पे कुछ। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज या ये जनरल मीडिया कवर कर रहा है, LG ऑफिस तक ये मैसेज नहीं जा रहा है, उनके पास पल पल की रिपोर्ट और इनपुट जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मिनिस्टर्स की भी बात करूंगा यहाँ पे, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, आज बेटी सड़क पर है, इतनी तपश है यहाँ पर, आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी बैठा हूँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन आप सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, खाना खाया नहीं खाया, मुझे पता लोग कहाँ कहाँ से हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन LG के लिए क्या मैसेज, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कहना चाहोगे? हम उनको हमारे टीम के लिए यही मैसेज है कि प्लीज हमें या तो एक्सटेंशन दी जाए, हमारा जस्टिस हमें दिया जाए, बस और कुछ नहीं। हम उनसे और कुछ, अगर वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसका मतलब रखे ना, उसका मायना भी रखे ना, कुछ तो करे हमारे लिए। ऐसे हम पढ़ लिखे हैं, फिर डिग्रियां लेके बैठे हैं, और हमारे लिए नौकरी ही नहीं है, परमानेंट छोड़ो, हम उनको एक्सटेंशन के लिए बोल रहे हैं। 1 ईयर से हमें सैलरी तक नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला हमें बिना सैलरी के, और बिना
छुट्टी के हमने ड्यूटीज जो थी वो अपनी करी और उस ड्यूटी का हमें ये तोहफा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। व्यूअर्स से इतना ही कहूँगा कि घर बैठकर कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड नहीं दिखा रहा, ये लाइव तस्वीरें, और सुबह से ही मैं इनके साथ हूँ यहीं पर, रात को भी मैं यही था, देर रात के 12 बज चुके थे जब ये लोग यहीं बैठे हुए थे सड़क के ऊपर, अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो अपने सकते हैं सामने तस्वीरों में, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फिलहाल तस्वीरें लाइव आप तक पहुंचाई हैं, और अब आप अपनी राय जुड़ रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इन बच्चों की आवाज़ जो है वो LG ऑफिस तक जुड़ पहुंचे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर, अजीत लोकरा के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।